दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन की। टेक्नो बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है अपना एक नया स्मार्टफोन टेक्नो पोवा। जी हाँ, टेक्नो पोवा नाम रखा गया है और इस सीरीज में हमको अभी तक कोई भी फोन देखने के लिए नहीं मिला है, तो ये टेक्नो की तरफ से एक नई सीरीज हो सकती है और बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, क्योंकि इसका लैंडिंग पेज टेक्नो की वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है और लॉन्च इसका बहुत करीब है। फोन के स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं और सबसे बड़ी हाईलाइट अगर मैं बताऊं तो भाई बजट सेगमेंट में ये वाला फोन भी हमको देने वाला है 6+128GB वाला वेरियंट। कल हमने बात करी थी इन्फिनिक्स हॉट 10 के बारे में, जो भी हमको बजट में देने वाला है 6+128। तो अगर इन्फिनिक्स दे रहा है भाई तो टेक्नो तो देगा ही देगा भाई, क्योंकि जैसा इन्फिनिक्स करता है वैसा टेक्नो करता है, जैसा टेक्नो करता है वैसा इन्फिनिक्स करता है, क्योंकि भाई एक ही थैली के चट्टे भट्टे हैं दोनों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो पोवा के सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, किस प्राइस पॉइंट पर आपको फोन देखने के लिए मिलेगा, कैसा होने वाला है ये फोन, क्या लेने लायक रहेगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं। लाइक टारगेट अपन रखते हैं 200 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को और सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। टेक्नो पोवा जो है एक नई सीरीज है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको पुराने जैसी ही देखने के लिए मिलेगी। प्लास्टिक बिल्ड यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, प्लास्टिक की बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन कौन सा ग्लास मिलेगा ये चीज मेंशन नहीं करी गई है। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको एवरेज मिलेगी। डिजाइन की अगर बात करते हैं तो डिजाइन यहां पर टेक्नो की तरफ से अच्छा दिया गया है, ट्रेंडी डिजाइन है। 3 कलर में आपको फोन मिलता है, ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल में आपको कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें 4 कैमरास लगाए गए हैं, फ्लैश लगाया गया है। साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल रहा है और फ्रंट की अगर बात करते हैं तो एक पंच होल यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है और हल्की सी चेन यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एवरेज मिलती है, डिजाइन फोन का काफी अच्छा है और एक जो ब्लैक कलर है जिसमें रेड शेड दिया गया है वो कलर मेरे को पर्सनली काफी पसंद आ रहा है, काफी ट्रेंडी लग रहा है। ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन फोन की आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो 6.8 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहां पर दिया गया है, सिनेमैटिक डिस्प्ले लगाया गया है। 20.5:9 का आपको यहां पर एस्पेक्ट रेशो मिलता है, उसी के साथ में 246 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिलती है। रिजोल्यूशन की बात करेंगे तो HD प्लस रिजोल्यूशन मिलता है, 720 पिक्सल वाला डिस्प्ले दिया गया है, IPS LCD पैनल मिलता है और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा, 90 हर्ट्ज यहां पर नहीं मिलेगा, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले की अगर बात करते हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन इसको और बेटर किया जा सकता था। अगर इस प्राइस पॉइंट पर हमको फुल HD प्लस दे दिया जाता तो बहुत मजा आ जाता भाई, लेकिन यहां पर हमको अगेन HD प्लस डिस्प्ले से काम चलाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करें भाई तो इस फोन में ताकत दी गई है आपको मीडियाटेक के हीलियो G80 प्रोसेसर की। वो जमाने गए भाई जब टेक्नो P22 P35 दिया करता था, अब चीजें चेंज हो रही है, अच्छे प्रोसेसर हमको टेक्नो के फोन में देखने के लिए मिल रहे हैं। यहां पर मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर दिया गया है जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। प्रोसेसर के बारे में अगर बात करें तो 12 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, 2.0 GHz की पीक क्लॉक स्पीड पर A75 वाले कोर्स मिलते हैं, आर्म माली G52 MC2 GPU मिलता है जो कि डुअल कोर GPU है। परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी, डे टू डे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी, गेमिंग भी आप इसके अंदर अच्छे से कर पाएंगे। तो यहां पर परफॉर्मेंस के मामले में टेक्नो की तरफ से इस बार बहुत अच्छा काम किया गया है। LPDDR4X रैम मिलेगी आपको और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस से आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, गेमिंग भी आप इसके अंदर कर पाएंगे। इस फोन के साथ में आपको गेम मोड का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन मिल जाते हैं, तो ऐसी कुछ चीजें भी यहां पर टेक्नो की तरफ से सॉफ्टवेयर एंड पर दी गई है। तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी शिकायत यहां पर नहीं आने वाली है, टेक्नो को इस बार भाई कुडोस है, यहां पर परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी। कैमरा की अगर बात करते हैं तो 4 कैमरा आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन 4 में से 3 कैमरा कुछ काम के नहीं है भाई, केवल 1 कैमरा काम का है। 13 मेगापिक्सल का यहां पर आपको एक प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलता है, उसी के साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है और एक QVGA सेंसर दिया गया है लो लाइट सेंसिंग के लिए। तो 3 कैमरा आपको कुछ भी काम में नहीं आने वाले हैं, लेकिन पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सा फ्लैश देखने के लिए मिलता है जिसको क्वाड LED फ्लैश बोल रहा है टेक्नो, मतलब 4-4 LED वहां पर लगाई गई है। तो टॉर्च के साथ में आप अच्छे से फोटो खींच पाएंगे इसमें, लेकिन पीछे 3 कैमरास वेस्ट दिए गए हैं, 1 कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का। और वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की बात करेंगे तो 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। रियर कैमरा ठीक आपको मिलता है,
फ्रंट की अगर बात करते तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की अगर बात करते हैं तो एवरेज कैमरा सेटअप यहाँ पर दिया गया है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, एक डिसेंट कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको दिया गया है। बैटरी की अगर बात करते हैं तो भाई 6000 mAh का बैटरा ठूसा गया है इस फोन के अंदर। जी हाँ, बैटरी का साइज काफी अच्छा दिया गया है और एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं अब कि 6000 mAh की बैटरी के साथ भाई फास्ट चार्जिंग दे दी जाए। तो जी हाँ, यहाँ पर आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी देखने के लिए मिलती है और 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो अगेन टेक्नो थम्स अप है, अच्छी बैटरी साइज दिया है, अच्छा यहाँ पर चार्जिंग टेक्निक दी है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर बेटर की जा सकती थी जिस पर टेक्नो ने ध्यान नहीं दिया है, वो है कि यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी वाला पोर्ट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव है, इसको भी बेटर किया जा सकता था। 18 वॉट फास्ट चार्जिंग, 6000 mAh की बैटरी, अच्छा काम किया गया है, लेकिन माइक्रो यूएसबी पोर्ट थोड़ा समय को यहाँ पर नहीं जमा। कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो 3.5 mm का गड्ढा भी यहाँ पर आपको दिया गया है, ब्लूटूथ 5 का आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी के भी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिलेगा, एंड्रॉइड 10 के ऊपर आपको फोन मिलेगा। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें एंड्रॉइड 10 मिलता है, साथ ही में टेक्नो का जो हाई ओएस 7.0 है उसकी परत आपको देखने के लिए मिलेगी, मतलब वो वाला यूआई आपको देखने के लिए मिलेगा। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट मिलता है जिसमें आप मेमोरी कार्ड घुसेड़ सकते हैं और 256 GB तक अपनी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन फोन के मेरे को काफी पसंद आए, जो एक दो डाउन साइड मेरे को लगी कि यहाँ पर भाई ये तो डिस्प्ले बेटर हो सकता था फुल एचडी प्लस का, और दूसरी बात यहाँ पर आपको टाइप सी वाला तो दिया ही जाना चाहिए था भाई, डिस्प्ले से तो फिर भी हम काम चला लेंगे, टाइप सी वाला पोर्ट दे देते तो वो काफी अच्छी बात रहती। लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशन की अगर बात करते हैं, हाँ कैमरा थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, यहाँ पर जो छोटे मोटे छुटर पुटर वाले कैमरास लगाए गए हैं उनको हटा करके एक कैमरा कोई अच्छा दे देते तो कैमरा सेटअप अच्छा हो सकता था। लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो फोन के स्पेसिफिकेशंस अच्छे लग रहे हैं, प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। और भाई वेरिएंट्स की अगर बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था, 6GB प्लस 128GB वाले वेरिएंट में ये फोन हमको देखने को मिलेगा। और प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक टेक्नो की तरफ से अवेलेबल नहीं है, ना ही कुछ चीजें लीक हुई है इसकी प्राइस को लेकर के। लेकिन स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए प्लस टेक्नो की मार्केट वैल्यू को देखते हुए कि टेक्नो थोड़े से प्राइस ज्यादा रखता है फोन के, मेरे को लगता है कि ये फोन कहीं ना कहीं 11000 से 12000 के बीच में इंडिया में आपको देखने के लिए मिल सकता है। और लॉन्च डेट की अगर बात करें तो अगेन लॉन्च डेट भी टेक्नो की तरफ से नहीं अभी तक डिक्लेयर की गई है, हो सकता है जब यह वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं और पब्लिश करने के बीच में डिक्लेयर हो जाए, लेकिन अभी तक तो कोई इसके रिलीज डेट के बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही होगी वैसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी ये वाला फोन लॉन्च होने वाला है और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मेरे को काफी पसंद आ रहा है फोन। लेकिन अगर 11-12 हज़ार के बीच में आता है, 11-12 हज़ार के बीच में, तो फिर मैं बोलूंगा भाई कि इसके दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं इसकी जगह पर। पोको M2 की तरफ आप जा सकते हो, रियलमी नार्जो 20 की तरफ आप जा सकते हो, लेकिन ये वाला फोन अगर 10,000 के अंदर आ जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन कभी टेक्नो की ऐसी अंतरात्मा जाग जाए कि भाई अब कॉम्पिटिशन करना है तो थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव प्राइस रखना पड़ेगा, चलो इसको 10,000 के अंदर डाल देते हैं इंडिया में, अगर 10,000 के अंदर ये फोन आ जाता है तो भाई काफी अच्छा फोन हो सकता है 6GB प्लस 128GB प्लस G80 प्रोसेसर के साथ में। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कैसा होने वाला है फोन, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्राइस क्या होगा इंडिया के अंदर, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।